अच्छा रिंग के इनसाइड तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था ना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बेटा। रिंग के एक्सिस पर अभी देखना है, बहुत कंफ्यूजन होगा, फिर कंफ्यूजन सही भी हो जाएगा, ठीक है। मैं फार्मूला डायरेक्ट लिखवा सकता हूँ लेकिन बेटा ये, और फार्मूला डायरेक्ट लिखवाता भी हूँ लेकिन आप में हो सकता है ये डेरिवेशन में आए, इसलिए इसको मैं डिराइव करा देता हूँ। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग चलो बेटा शुरू करते हैं। रिंग, रिंग का रेडियस कितना है बेटा? आर। कितना है रेडियस? आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा? एक्स, ठीक है। अच्छा ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी तो हम बता देंगे ना बेटा, ये दूरी तो हम बता ही देंगे। कितना हो जाएगा? आर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर लिख देंगे। तो ये दूरी कितनी होगी? एक्स माइनस आर। ऐसा लगता है रिंग कोई पहना है? कोई नहीं पहना है, चूड़ी छल्ला कुछ नहीं पहनते हो? आ जाओ, कोई आ जाओ बेटा, आओ पकड़ो ऐसे, ठीक, बस ऐसे देखो जादू। मैंने कहा ये एक्सिस है बेटा, दिख रहा है ये दूरी, ठीक है, आर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये दूरी आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूरी आर इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा ये दूरी सीधी नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो आगे वाला भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट, और पीछे वाला भी आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये आगे वाले से, ये आगे वाले से भी ये दूरी बेटा, एक्सिस एक्स है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट होगा। समझ में आ गया? क्योंकि बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है, एक गोला मानो, देखो दूरी बराबर होगी, तो यहां से भी इसकी दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट होगी बेटा, ठीक है। किसी भी पॉइंट से दूरी कितनी होगी उसकी? एक्सिस से, सेंटर से यदि हमने दूरी ले लिया एक्स, तो किसी भी पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी? मान लिया आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इनर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं से भी एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? अब इस पर टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू। कितना चार्ज है बोलो यार? इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें हम? तो बेटा छोटे छोटे चार्ज का इसके इसके पे निकाल लें, फिर बड़े चार्ज को पूरा करके ऐड कर दें। बोले छोटे चार्ज का, यदि इस वाले चार्ज का हम निकालें तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
यदि ये एंगल मैं थीटा ले लूं, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कितने लोग मान रहे हैं ये बात? बेटा ऊपर नीचे बराबर है, बीच से गई है सेंटर से। यदि ऊपर वाला एंगल थीटा होगा तो नीचे वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर है इतनी बात? इसके कारण इस पॉइंट पी पर, किस पॉइंट पर? पी पर यह दूरी मैंने मान लिया आर। इसके कारण इस पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं होगी? डी ई। यदि मैं यहां पे छोटकू सा चार्ज डी क्यू ले लूं तो इस सेगमेंट के कारण, बोलो यार इधर मेरे लाल, इधर होगी ये? बोले सर थोड़ा ज्यादा एंगल बना दिए। लो बेटा इसी के अलोंग बना रहा हूं, ये डी होगा इसके कारण। ये वाला कहेगा भैया मेरे कारण भी होगा, वैसे हर चार्ज के कारण होगा, उसका अपोजिट एक चार्ज होगा, ठीक। इसके कारण क्या डी होगा? डी क्यू चार्ज, इस पॉइंट का ले लिए डी क्यू चार्ज। बोलो अब यदि मैं कह दूं ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, हो जाएगा? चलो यदि मैं इसका कंपोनेंट करूं तो क्या ऊपर आएगा डी ई साइन थीटा? एक का ही कंपोनेंट करके निकाले, कैंसिल आउट करके दिखा देता हूं। नीचे आएगा बेटा इसके कारण ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? डी ई कॉस थीटा। बोलो आएगा? ये क्लियर नहीं हुआ? हो गया ना? क्या बेटा ये बराबर इक्वल और अपोजिट हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो बेटा यदि मैं एक चार्ज के कारण कहूं तो एक चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है? फॉर डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है डी ई साइन, सॉरी डी ई कॉस थीटा। बोलो आया है कि नहीं? ठीक, जल्दी छापो। क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? ऐसे है, एक चार्ज को लिया, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? टोपा इतने देर से मैं क्या बता रहा था? डी आया इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि डी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर गए। डी की वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे ना, डी की वैल्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर।
हो गया बेटा। पहला नोट पॉइंट इसमें लिखो, ये बन गया, छप गया कि नहीं, अभी छाप लो, कॉपी देना बेटा, तो एक मिनट देखना। बेटा Q इंटू डी थीटा अपन आर स्क्वायर लिखा है बच्ची ने, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा मैं यदि ये कह दूं कि सारे जो QE हो DQ होंगे छोटे छोटे वाले चार्ज का, उनका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, ये वाला बेटा इसको किया है, ठीक है, तो इधर वाला बेटा इसको भी तो करेगा, ठीक है, एक एक्सिस इधर एक इधर, क्या सारे डी क्यू के साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे? अभी यहां मैं छबद्दर नहीं बना दूंगा, सबको बना दूं, दो को दिखा दिया, सबका अपोजिट पॉइंट होगा, रिंग में देख चुके हैं, तो बेटा सबका अपोजिट पॉइंट होगा, तो सबके अपोजिट पॉइंट का एक छोटा क्यू होगा जो उसके साइन कंपोनेंट को एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो यहां पे एक नोट पॉइंट लिखो, डी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डी क्यू कैंसिल बाई डी साइन थीटा ऑफ कैंसिल बाई डी साइन थीटा ऑफ अपोजिट डी क्यू एलिमेंट। क्या अपोजिट वाला डी क्यू एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे? तो ई नेट क्या बचेगा बेटा? यदि मैं ई नेट की बात करूं तो मुझे ई नेट की वैल्यू बताओ, अब ई नेट क्या होगा? डी ई कॉस थीटा गलत, ये एक का है, ई नेट मतलब सबका होल इंटीग्रल, अब सही है, होल इंटीग्रल मतलब बेटा पूरे रिंग का, छोटा छोटा डी छोटा छोटा डी होगा, चलो करते हैं, अब हम तो लिख ही देंगे यार, हमें ई पता है, ई क्या है, मैं कह दूं के क्यू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, नहीं डी क्यू वो टोटल क्यू हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ से कह दूँ कॉस थीटा भी तो कांस्टेंट है, जितने भी रखे हो बेटा, अब यदि वहाँ से पॉइंट हटाओगे तभी वेरिएबल होगा कॉस थीटा, या वैसे वेरिएबल हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए तो कॉस थीटा फिक्स हो गया ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता है, तो बेटा इसमें वेरिएबल क्या क्या है? के इनवेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्यू तो टोटल ओवरऑल निकालना है, कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इतने कांस्टेंट है, हमें यही तो निकालना था बेटा, डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी होगी? Q, सिंपल, क्योंकि ये एक पॉइंट का निकाले हैं और हमारे पास कितना पॉइंट है बेटा? 2πr, 2πr में कितना Q है? हाँ, 2πr, हाँ, भंगेड़ी हो, Q ही होगा, टोटल Q है तो 2πr में Q ही तो होगा, यूनिट का मैंने पूछा ही कहाँ है, सिंपल बेटा एक कितना आ जाएगा? के क्यू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो गया ई नेट। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ मेरे लाल, कॉस थीटा,
कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस अपान हाइपो, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन होता है शायद, क्या पता नहीं मैथ कम आती बेटा, आप लोग बता दो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा ये हाइपोटेनस है, आपको क्लियर दिख रहा होगा ये बेस है, और आपको दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर है। तो बेटा हम कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख दें, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स इंटू आर, बोलो यार लिख सकते हैं इतना, चलो आर आर कैंसिल। अच्छा ये बताओ E इज इक्वल टू, अभी देखना बेहोश होंगे कुछ लोग, वन अपान फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। बेहोश हुए सर, हो गए। अच्छा देखो बेटा R इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन अ रूट, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसके पावर वन भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या लिखने में। अच्छा R इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ भी तो लिख सकता हूं, तो बेटा आर क्यूब इज इक्वल टू मैं यही लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल के पावर थ्री बाई टू। इसमें बेहोश होने की कौन सी बात है, क्लियर है। देखो इस फार्मूले से आपको पता लग जाएगा E on center is equal to zero, पूछो क्यों, पूछो E on center is equal to zero क्यों, सेंटर पर रिंग के कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो, क्यों, अरे देख लो x जीरो है इससे भी तो आ जाएगा ठीक, छापो समझ में आ गया हो तो। तो ये आता है बेटा रिंग के एक्सिस पर, क्या बेटा बताओ बताओ पूछो पूछो, हाँ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा सेंटर के लिए ना मेरे लाल, सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू जीरो, ये दूरी होगा तभी तो एक्स लोगे, सही बताओ कितने लोग के समझ बिल्कुल नहीं आया, पक्का आ गया पूरा पूरा आ गया, तो अभी भी अब देखो बेटा लीनियर चार्ज
डेंसिटी के कारण या लैमिनर के तक कारण, मैं आपको तभी कराऊंगा जब गॉस पढ़ा लूंगा, क्योंकि मैं गॉस में उन चीज़ों को प्रूफ कर लूंगा, ठीक। फिर उनको मैं डायरेक्ट रखते जाऊंगा, ठीक है। अभी लीनियर पढ़ाते समय डायरेक्ट पढ़ा दिया लीनियर, तो बदहोश ही हो जाओगे तुम्हें, क्योंकि जब तक गॉसियन सरफेस नहीं मानोगे तब तक आप चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक। तो गॉस को पढ़ाने के बाद ही वो शुरू करेंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ और बातें हैं, कुछ बातें और करनी है इसमें, ठीक। हो गया बेटा, ये छापो जल्दी जल्दी। केवल ये चैप्टर ढंग से पढ़ लो, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गैस, सब कुछ है, एनर्जी। इसके बाद आपको कोई भी चैप्टर टफ नहीं लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है बेटा, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। हो गया, कहते हैं E की वैल्यू मैक्स कब होगी, ठीक। E मैक्स कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट r बाई। यदि x की वैल्यू ये हो जाए तो उस समय क्या होता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है बेटा। चलो और सिंपल लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू, उसको पूरा सॉल्व कर दिए, रूट को हटा देते हैं, r के बाई रूट टू कर देते हैं। इसका मतलब बेटा ये r से बड़ा होगा x की छोटा होगा, x r से बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा है ना, डिवाइडेड बाई रूट टू। अच्छा, रूट टू की वैल्यू 1.4 होती है, मतलब रिंग की गोलाई जितनी है रेडियस, उससे थोड़ी सी दूर पे यदि हम एक्सिस पे लें तो उस समय हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो इसके लिए ग्राफ बनता है बेटा, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लें बेटा, प्लस एक्सिस में आगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये जो दूरी होगी एक्स की ये कितनी होगी, और ये जो होगी वो कितनी होगी बेटा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आएगा नहीं, ये कंपटीशन के लिए आता है अक्सर, ठीक, क्लियर है। इधर कहेंगे सर इधर कर दिए, इधर पे एक्सिस हो गई तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ये। अरे पढ़े हो ना वेक्टर में ओरिजिन, ओरिजिन से राइट किया तो प्लस एक्सिस, प्लस आर, इधर आए माइनस, ठीक। अभी इसमें थोड़ी सी खेल और बचा हुआ है, छापो जल्दी। अगली बात हो गया, वहां Q एक पॉइंट चार्ज था, यहां Q बेटा पूरे छल्ले पे है, क्लियर है, पूरे रिंग पे है। अच्छा रिंग पे है, बात करते हैं, हो गया। अब ध्यान दीजिए,
रिंग यदि नजदीक से देख रहे हैं तो रिंग दिख रहा है, 10-5 मीटर से देखें तो रिंग दिख रहा है, मतलब रेडियस से एक्स बड़ा ही है, ठीक है। यदि चले गए 2 किलोमीटर और एक्स को देख रहे हैं, रिंग को देख रहे हैं, तो क्या रिंग उस समय पॉइंट की तरह दिखाई देगा? यदि बेटा आप बहुत दूर चले जाओ तो वही रिंग आपको पॉइंट की तरह दिखाई देगा। बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर मतलब बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ करके जब पेड़ देखते हो तो वो भी पॉइंट की तरह दिखाई देता है, दूरी के कारण। यदि मैं एक्स बहुत बड़ा कर दूं तो क्या आर नेग्लेजिबल हो जाएगा? बिल्कुल आर निकले, दूर चले गए, खूब दूर चले गए और रिंग है बेटा, टोटल चार्ज क्यू है, अब वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि अब वो क्यू आपको पॉइंट दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन आर। मैं ये लगाऊंगा ही नहीं, यदि पॉइंट चार्ज होता क्यू तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, इज इक्वल टू 1/4πε0qr3x² होता। अब ये देख लो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये नेग्लेजिबल हो गया, कितना हो जाएगा बेटा, ये qx/(x³) xx कैंसिल, वही तो आ गया। अबे ले चलो मस्त रहो, मानोगे नहीं, खून पीना है पूरा, 1/4πε0qx(x²)³ आर को कर दिया नेग्लेजिबल, बेटा ये इससे कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0qx, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू ले लो यार, x³, इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/4πε0q/(x²). अरे यही तो कह रहा है यार कि जब आप बहुत दूर हो जाओगे, x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो क्या ये पूरा रिंग एक पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा? तो पॉइंट वाला निकाल लो, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक। ये कब होगा? जब x r से बहुत बड़ा होगा, सेंटर पर जीरो रिंग के, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक। छापो, आज नीट का बैच कंप्लीट हो गया, 22-23 वाला, ठीक, छुट्टी हो गई उन लोगों की, हाँ 7 मई, हाँ रिवीजन विजन करा और आके हम क्या, बस बेटा अब कुछ दिन अपने आप को कूल रखो और अपने से थोड़ा सा देखो, ठीक। चलो थोड़ी सी बात करते हैं डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं सर अभी ये नहीं हुआ था, हुआ था बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपको बताते हैं, चलो हेडिंग डालो डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले पहले भी हो चुका है मुझे पता है, इसमें और कुछ बताना है, पहले लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लेते हैं बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
डाइपोल का मतलब है दो इक्वल चार्ज और अपोजिट नेचर के काफी पास पास रखे गए हैं। हाँ सर, रखे गए हैं माइनस क्यू प्लस क्यू पास पास है। ठीक, यदि सबसे पहले मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा बेटा? इधर लगेगा, वैल्यू क्यू इंटू ई बताया गया है। इस पर फोर्स इधर लगेगा, क्यू इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो क्या यहां पे एफ नेट जीरो है? एफ नेट जीरो। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ, इक्विलिब्रियम में है। इतना चीज क्लियर हो गया? नहीं छापो अभी। अब हमने इसको स्लाइटली चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। अब इस पर फोर्स किधर लगा? इधर एफ। और इस पर फोर्स किधर लगा बेटा? इधर एफ। F इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अभी भी लग रहा है उतना ही फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है। क्या F नेट अभी भी जीरो है? बोलो यार, कितने लोग कह रहे हैं जीरो है? आप लोग को नहीं लग रहा है जीरो है? बोलो सर कुछ नहीं लग रहा है, आप बताओ, बताओ बेटा, अपने विचार व्यक्त करो, क्या लग रहा है? एफ नेट जीरो कब होता है? जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो क्या यहां एफ नेट जीरो नहीं होगा? ठीक। अच्छा, यहां पे मैं यदि डाइपोल की डायरेक्शन पूछूं तो इधर है क्या? और यहां पे मैं डाइपोल की डायरेक्शन पूछूं तो इधर है क्या? क्या हेडिंग डाला है आपने? अब यहां पे यदि मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा पी क्रॉस ई इज इक्वल टू, यहां पे टॉर्क कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा इज इक्वल टू क्यों जीरो? क्योंकि साइन थीटा जीरो। यहां पे क्या है? साइन थीटा जीरो हो या फिर साइन थीटा 180 हो तो ये तो वैल्यू जीरो होती है। तो बेटा क्या ये मिनिमम है? हाँ, कैसा है ये मिनिमम टॉर्क होता है ये, इसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो। तो साइन थीटा जीरो हो या साइन थीटा 180 डिग्री हो या फिर रेडियन में कहते हैं जीरो रेडियन आर पाई रेडियन, इस पे टॉर्क कितना होता है? मिनिमम। अब ये क्या करेगा बेटा? बोले टॉर्क क्या होता है? टॉर्क पढ़ा होगा आप तब। अब यहां पे क्या रोटेशन में आ रहा है क्या? इक्विलिब्रियम पे था, अब ये कहेगा चल इधर। ठीक, आने लगा। अब यहां के रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा, तभी तो सच्चे में यहां करता है, याद है आपको? तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पी क्रॉस ई इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। बेटा कैप लगा दे रहा है इनको, इसलिए कैप लगा दे रहा है।
की वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं ना लगाऊं तो समझ जाइएगा कि कैप है, ठीक है। तो बेटा टार्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये ठीक। तीसरा सिचुएशन, बोले अब माइनस क्यू यहां, प्लस क्यू यहां, पी की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन ये। बेटे अब बताओ फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स किधर लगेगा, क्या दोनों बराबर होंगे क्यू ई? अरे यार एफ नेट तो अभी भी जीरो है, बोलो क्या एफ नेट जीरो है? हाँ जीरो है। टॉर्क पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी। क्या ये मैक्सिमम है? अच्छा इनका मुंडी पकड़ो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, अभी 90 डिग्री है, 180 डिग्री और रोटेट कर रही हो, 270 हो गया। अरे यार अभी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ये, चलो ऊपर प्लस क्यू कर, ऊपर माइनस क्यू कर दिए, नीचे प्लस क्यू कर दिए, 180 डिग्री घुमा दिए, तो टोटल कितना रोटेट हुआ, 270 हुआ, पहले 90 फिर 180, टोटल 270। तो थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 हो या थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो, इस पे क्या होता है टार्क? कुछ समझ में नहीं आया, अपने ही पढ़ रहे अपने ही पढ़ा रहे। अरे यार ये बताओ ये है, चलो ये है 90 हो गया, ठीक हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, क्या बेटा 90 और 270 पर मैक्सिमम है? ठीक बेटा, कितने लोग कहते हैं सर ये 90 है और ये 180 हो गया, कंटाप मारना उनको, ये 90 नहीं है बेटा, अभी ये जीरो था, अब ये 90 हुआ, अब ये 180 हुआ, अब ये 270 हुआ, तो टार्क किस कंडीशन में मैक्सिमम है? तो मैं एक जनरलाइज बात कर दूं कि डाइपोल में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमेशा एफ नेट जीरो होगा। इन डाइपोल, यदि डाइपोल किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा तो उस पर एफ नेट हमेशा जीरो होगा। टार्क जीरो हो भी सकता है, टार्क जीरो नहीं भी हो सकता है, ये डाइपोल के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ नहीं, सब गायब शक्तिमान। बेटा पड़ोसी को क्या पढ़ा रही हो इधर? अच्छा मैं कह रहा हूं बात तो सुन लो कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डाइपोल किसी भी सिचुएशन में रखा होगा उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। मेरी बातों से आप इत्तफाक नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं। सेकंड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डाइपोल में, डाइपोल पर टॉर्क वर्क कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये केवल और केवल किसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है? डाइपोल के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, किस सिचुएशन में कैसे रखा गया है उस पे डिपेंड करता है। बनाओ और छापो नोट पॉइंट, हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा। अच्छा ये बताओ टॉर्क की क्या हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा, टॉर्क क्या, टॉर्क की वैल्यू या थीटा की वैल्यू? सर
जब एंगल कितना हो जाए 30 डिग्री हो जाए। अबे सोचनी नहीं है इसमें टी बाई टू। ये टफ था लेकिन। अबे तो इसमें यार तुम बताओ, खुद बताओ, टायर की मैंने सारी सिचुएशन बना ली, इसकी वैल्यू टी बाई टू रख दो साइन थीटा अपने आप, ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड बता दिया है ना। अब एंगल रखो यहाँ, रिजल्टेंट टार्क टी बाई टू पी साइन थीटा, कर लो वैल्यू। अच्छा कितने लोग हैं जो साइन 45 साइन 75 की वैल्यू कितने लोग निकाल सकते हैं? साइन 75 की वैल्यू साइन 45 या साइन, तो रुको रुको एक मिनट रुको, तो 45 प्लस 30, हाँ कितने लोग निकाल सकते हैं बेटा साइन 75 की वैल्यू? 75 डिग्री दिया हो, कितने लोग निकाल सकते हैं? सही बताना ईमानदारी से, साइन 75 की कैसे निकालोगे? निकालो बताओ वैल्यू बताओ साइन से। एकदम शांत है, शांत निकाल। साइन 15 की वैल्यू तुमको पता है? अरे नहीं, तो वो 90 हो जाएगा ना। करो ना, करो बताओ मुझे वैल्यू बताओ ना साइन 75 डिग्री की। रफ पे पीछे जाओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, फिर मैं नहीं तो मारूंगा अभी कंटा तुम लोगों को। सिंपली बताया है सब कुछ, छाप लो, इसके बाद तुरंत बताओ रफ पे। ऐसे ही मैंने पूछ दिया, नहीं निकलेगी वैल्यू। अभी तो बता रहे थे 90 माइनस समथिंग, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यार ये वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, किस दिन के लिए साइन ए प्लस बी मैंने बताया था? साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, निकल गया 45। चलो हो गया, सीताराम बजो, निकल जाएगा। चलो अब पता होना चाहिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये और टफ काम। 1/√2 कॉस 30, कॉस 30 1/2 की अंडर रूट 3/2। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई तुम लोगों को, ठीक है। चलो हो गया ये, अभी नहीं, अरे यार थोड़ा जल्दी करो, दो पॉइंट लिखवाते हैं। अभी तो सारे के सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं, ऑल आर थ्री केसेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच रहा था नॉन यूनिफॉर्म भी खत्म हो जाएगा। हिंदी में लिखवा दूं कोई दिक्कत तो नहीं? कितने लोग कहते हैं सर हिंदी समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसा भी कोई है जो नहीं समझ पाता हो? हिंदी समझ लेते हो बेटा ना,
तो चलो नोट पॉइंट में पहला लिखो, ये बना लो जल्दी बना लो बेटा। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टार की मिनिमम वैल्यू कब है, दिया है 0, 90, 80, 1 एंड 3। बेटा सब 0-0 लगा के चले आए, जबकि 180 भी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने सारे सिचुएशन आपको बता दिया। रेडियन में ये बता थोड़ी पाएंगे, रेडियन में 270 की वैल्यू कितनी, 90 की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2, 270 की वैल्यू 3π/2। क्लियर है, चलो नोट में पहला पॉइंट लिखो फटाफट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किसी भी सिचुएशन में रखा हो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किसी भी सिचुएशन में रखा गया हो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टॉर्क की वैल्यू रखे गए डाइपोल के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, हेडिंग डाल दो, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा फिजिक्स रोज के रोज पढ़ के खत्म करिएगा, ठीक है, नहीं 2 दिन छोड़ देंगे, आपके समझ ही नहीं आएगा ये कैसे आया था, ठीक है।